अफगानिस्तान पर शासन के बाद तालिबान अपनी मनमानी करने लगा है। तालिबान ने सत्ता में आने से पहले पूरी दुनिया से कई वादे किए थे, लेकिन तालिबान अब उन वादों को भूलने लगा है। तालिबान ने पहले महिलाओं के काम करने पर पाबंदी लगाई थी, इसके बाद लड़कियों को स्कूल न जाने का फरमान सुना दिया। तालिबान के इस फरमान की दुनिया भर में आलोचना भी हुई। इस आलोचना के बाद तालिबान अपने कुछ फैसले बदलने जा रहा है। तालिबान लड़कियों के स्कूल न जाने वाले फैसले को बदलने जा रहा है। तालिबान ने मंगलवार को घोषणा कर कहा कि लड़कियों को जल्द से जल्द स्कूलों में लौटने की इजाजत दी जाएगी। तालिबान सरकार के उप शिक्षा मंत्री जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम चीजों को अंतिम रूप दे रहे हैं, इस पर जल्द से जल्द फैसला होगा। इससे पहले सप्ताह में शिक्षा मंत्रालय ने पुरुष शिक्षकों और छात्रों को माध्यमिक विद्यालय में लौटने का निर्देश दिया था। तालिबान के बयान में कहा गया था कि सभी पुरुष शिक्षकों और छात्रों को शनिवार से अपने शिक्षण संस्थानों में उपस्थित होना चाहिए। हालांकि उस वक्त मंत्रालय ने महिला शिक्षकों और छात्रों के बारे में कुछ नहीं बताया था, जिससे लड़कियों की शिक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। तालिबान के इस फैसले पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ ने बयान जारी किया है। यूनिसेफ ने कहा कि अफगान लड़कियों के स्कूल को बंद करना शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ये बयान ऐसे समय आया जब शनिवार से लड़कों के माध्यमिक स्कूल फिर से खुल गए हैं, लेकिन लड़कियों के स्कूल का भविष्य फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। यूनेस्को के अनुसार अफगानिस्तान ने पिछले दो दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यूनेस्को के मुताबिक 2001 के बाद से महिला साक्षरता दर लगभग 17% से बढ़कर 30% तक हो गया है। इससे प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की संख्या 2001 में लगभग शून्य से बढ़कर 2018 में 2.5 मिलियन हो गई है, जबकि अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा संस्थानों में भी लड़कियों की संख्या में पिछले 20 सालों में काफी इजाफा हुआ है। यहाँ के उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों की संख्या 2001 में 5,000 से बढ़कर 2018 में लगभग 90,000 हो गई है। तालिबान सरकार के इस फैसले से देश में महिलाओं को सम्मान मिलने की आशा व्यक्त की जा रही है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।